वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सर प्लान बन चुका है हम लोग का जूहू चौपाटी जाने के लिए। हम लोग जूहू चौपाटी अभी जा रहे हैं और वहाँ का सनसेट देखने के लिए पूरे फैमिली के साथ। ये मेरी वाइफ है, ये मेरा साला है, और ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी, ये मेरी बेटी है, बेटी क्यूट सी मेरी बेटी, बहुत मस्ती कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जूहू चौपाटी पहुंच गए हैं। वहाँ पे पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो चुका है, वहाँ पे बरसात का ये और चक्रीवादल होने वाला है, उसी के लिए पुलिस लोगों ने हम लोग को रोक के रख दिया है, अंदर जाने के लिए मिल ही नहीं रहा है। वहाँ पे जूहू चौपाटी में यहाँ पे लोग अभी भी तो गए नहीं है। पूरा देख लीजिए यहाँ का कितने क्राउड है यहाँ पे। जय शिवाजी महाराज, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। गाइस, आज यहाँ पे पूरा चक्रीवादल आने वाला है, कुछ भी निकले रहा है, कुछ नहीं, खाली क्राउड, चक्रीवादल, बारिश ये होने वाला है। पूरा बादल ही बादल है, चक्रीवादल, तीन तीन चार दिन अलर्ट रखा है यहाँ पे। पूरा बारिश पानी यही आने वाला है यहाँ पे। अभी यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं, अभी यहाँ से अभी शायद मंदिर जाएंगे, टेम्पल वहाँ पे जाने वाले आते हैं। गाइस, हम लोग इस्कॉन टेम्पल पहुँचने वाले हैं यहाँ से। अभी हम जूहू चौपाटी से बाय वॉक आए इस्कॉन टेम्पल के लिए। कुछ इस मिनट में हम पहुँचने वाले हैं, हम इस्कॉन टेम्पल पहुँच गए हैं। इस्कॉन टेम्पल है, ये मुक्तेश्वर देवालय है। यहाँ पे लाइन लग चुकी है पूजा के लिए, जब भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए लाइन लग चुकी है। बोल मंदिर के पास ट्रैफिक जाम के पहुँच गए फैमिली के साथ हम आए हैं यहाँ पे। संडे आप लोग बाहर जाना है, पटना काउंटर के बाजू से कर सकते हैं। बाहर जाने के रास्ता पटना काउंटर के बाजू से है। Thank you.
वॉचिंग वीडियो, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।